आज मैंने यहाँ पर मतदान किया है और केवी सहाय उच्च विद्यालय है, और मतदान के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की सुविधाएं वो पुलिस के द्वारा कराई गई हैं, पूरा इंतजाम जो है वो मतदान केंद्र पर अच्छा है। मैंने आकर के अभी अपना वोट दिया है। जनता से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करें। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरी हम भी और मेरे परिवार पत्नी भी दिए वोट दोनों। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें आज सातवें चरण का मतदान होने जा रहा है, आज 1 जून है और पटना साहिब के बूथ पर हम आए हुए हैं। पटना साहिब लोकसभा अंतर्गत के भी साहेब बूथ है, उसी पर हम आए हुए हैं। मॉडल बूथ ही बनाया गया है, सेल्फी के लिए, वोटरों के लिए सेल्फी जोन का भी इंतजाम किया गया है। जो वोटर अपना मतदान करेंगे, मतदान के बाद आकर के सेल्फी पॉइंट पे अपना सेल्फी भी ले सकते हैं। पूरी तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। आपको बता दें कि थोड़े देर पहले ही गरिमा मलिक आईजी और उप कमिश्नर कुमार रवि के द्वारा यहाँ पर वोट किया गया था। वोट करने के बाद उन्होंने साफ तरीके से कहा है, लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ करके वोट का प्रयोग करें। आज मैंने यहाँ पर मतदान किया है और केवी सहाय उच्च विद्यालय है, और मतदान के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। मेरा यही अपील होगा कि सभी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मताधिकार का उपयोग करें। सर, आज का मौसम अच्छा है, क्या लगता है सर कि परसेंटेज नहीं, निश्चित रूप से हम लोग की उम्मीद है कि जितना प्रयास किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा वोटर अवेयरनेस के लिए, और सभी जगह पर जानकारियां दी गई हैं, लोगों तक तो वोटर पर्चियां पहुंचाई गई हैं, गर्मी का मौसम देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई हैं, और जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम किए गए हैं, निश्चित रूप से ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्र पर आएंगे और ज़्यादा प्रतिशत में मतदान होगा। फल फ्रूट का भी किया गया है ये यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, ये आदर्श मतदान केंद्र है जिसमें आम को एक थीम बनाया गया है, और यहाँ पर जो भी मतदाता आ रहे हैं उनको एक पौधा भी दिया जा रहा है। जी। आज जून 1 को पटना वासी मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर सभी जो भी मुहैया करवानी है सुरक्षा की सुविधाएं वो पुलिस के द्वारा कराई गई हैं, पूरा इंतजाम जो है वो मतदान केंद्र पर अच्छा है। मैंने आकर के अभी अपना वोट दिया है, अपने मताधिकार का जो है प्रयोग किया है। और मेरी अपील रहेगी आप लोगों के माध्यम से कि सभी मतदाता बाहर आए और अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करें। मैं आपको बता दें कि वोट देने के बाद यहाँ पे एक पौधा भी दिया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और कतारबद्ध होकर के अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बताते चले, केवी सहाय जो बूथ है, मॉडल बूथ बनाया गया है, जिसके पश्चात यहाँ पर गर्मी को देखते हुए, भीषण गर्मी है उसको देखते हुए, फल फ्रूट और सत्तू और पानी का भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। जितने भी लोग हैं उनको लिए सत्तू और पानी और फ्रूट का भी व्यवस्था किया गया है। मत का प्रयोग कर दिया जी हाँ। क्या अपील कर रहे हैं जनता से? जनता से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करें। आपको बता दें कि लोग बूथ पे आ रहे हैं और पौधा वितरण भी किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं जो लोग हैं आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करने के बाद उन्हें निशानी के तौर पर एक हरा वृक्ष भी दिया जा रहा है। मत का प्रयोग कर लिए, मतदान कर लिए? जी 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 सर। क्या नाम हुआ? करण कुमार। क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरी हम भी और मेरे परिवार पत्नी भी दिए वोट दोनों। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। मॉडल बूथ पे आए हैं, पौधा भी? जी हाँ, सरकार की तरफ से पौधा मिल रहा है। सेल्फी ले रहे हैं? सेल्फी जोन भी बनाया गया, मॉडल बूथ है जी, कर लिया। कैसा लग रहा है मॉडल बूथ बनाया गया है? नहीं, बहुत अच्छा है, आराम से आदमी वोट दे रहा है, लेकिन किसी तरह का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पौधा भी दिया जा रहा है? हाँ, आपको पौधा भी पौधा ये है। बहुत ही अच्छी पहल है इस चुनाव में कि आप पर्यावरण को भी जो है सुरक्षित रखें। वोट किस मुद्दे पे दिया है? विकास। बिल्कुल, अपना देश जो है समृद्ध हो, विकास हो। क्या नाम हुआ? सपना।
वोट दे ले? जी पहला वोट है क्या? जी जी फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है पहली बार दे रहे हैं? थोड़ा नर्वस थे कि अंदर क्या क्या होगा, लेकिन यूट्यूब पर एक बार हम देख चुके थे कि कैसे क्या होना। आजकल का यूथ तो सब चीज यूट्यूब पे देख कर आता है, तो देखे थे काफी अच्छा था, हैंडल भी यहाँ बहुत अच्छे से किए हैं। आपको बता दें कि आजकल के युवा जो है पहली बार वोट दे रहे हैं, कई युवाएं हैं जो पहली बार दे करके वोट का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और काफी खुश हैं। कैसा लग रहा है देने के बाद? काफी अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ कर रहे कंट्री के लिए, खुद के डेवलपमेंट। अगर कुछ होगा तो अपना डिसीजन होगा, अगर कुछ बिना वोट दिए ही किसी को बोलना कि हाँ अच्छा सरकार नहीं, अच्छा गवर्नमेंट नहीं, ये तो सही चीज़ नहीं है। एटलीस्ट अपने से दिए हैं तो कल को कुछ होगा तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे। अपना भविष्य बनाने के लिए मत का प्रयोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वोट दे ली? हाँ दे दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पौधा भी मिला है? पौधा भी मिला है। फल फ्रूट भी मिला है। और हम लोग चाहते हैं कि विकास होए अपना, विकास पर वोट दिए हैं लोग, रोजी रोजगार होके और महंगाई कम होके, हम लोग यही पर दिए हैं लोग रोजी रोटी। प्रभा देवी, आपको बता दें कि लोग आ रहे हैं कतारबद्ध होकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मत का प्रयोग करने के बाद मॉडल बूथ है और उन्हें एक उपहार के रूप में वृक्ष भी पौधा भी दिया जा रहा है और यहाँ पे फल फ्रूट की भी व्यवस्था की गई है कि अगर ज़्यादा गर्मी है उसके लिए पानी सत्तू की भी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और लोग आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, पौधा ले रहे हैं, सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं और जिसके बाद फल फ्रूट भी खाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आमिर सुहानी भी इस बूथ पर आए थे, गरिमा मलिक आई थी, कमिश्नर कुमार रवि भी आए हैं और आकर के अपने मत का प्रयोग करके अपने भविष्य के लिए वोट दे करके योगदान करके चले गए हैं और लोगों से भी खास करके अपील की है कि लोग आए अपने घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।